हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत बेस्ट आइडिया लेकर आई हूँ। जैसे कि इस तरीके की जो मटके होते हैं हमारे घर पे पड़े हुए रहते हैं ना, तो इसमें मेरे प्लांट लगे हुए थे और ये देख रहे हो हरे हरे ग्रीन काई सी लग गई है। तो मैं सोची इसे थोड़ी सी सफाई कर दूँ, तो पूरी अच्छी तरीके से सफाई नहीं हुआ, यानी कि मैंने इसे पानी से नहीं धोया। आप चाहो तो धो सकते हो। मटके को हमें कैसे गार्डन में इस्तेमाल करना है, सबसे पहले हमें देखिए ये फोड़ लेना है, नीचे होल बनाना ज़रूरी है। छेद नहीं करोगे तो फिर हमारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे, जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें एक पत्थर रख लेना है, जैसे कि ड्रेनेज होल हमारा बंद ना हो। मिट्टी मैंने सॉफ्ट बनाई है, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा गोबर की खाद और बालू, तीनों चीज़ों को मिलाकर मैंने बनाई है। और नीचे मैंने यहाँ पे ना केले के छिलके को डाल दिया है, यानी कि खाद की ज़रूरत नहीं है। आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हो। इस तरीके से केले के छिलके हैं तो आप गमले में डाल दीजिए। उसके बाद हम इसमें कौन से पौधे लगाने वाले हैं वीडियो पे बने रहेगा। और ये ना बहुत दिन हो गया था तो थोड़ी सी जो इसके छिलके वो ज़्यादा गीली गीली हो गई है, ख़राब हो गए हैं। इसमें फंगस नहीं लगेंगे दोस्तों, जैसे कि हम मिट्टी डाल देते हैं ना तो इसमें फंगस नहीं लगते, धीरे धीरे डीकम्पोस्ट हो जाते हैं। केले के छिलके में बहुत सारे नाइट्रोजन पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और फूल ही फूल खिलेंगे हमारे प्लांट में। तो ये बहुत ही बेस्ट समय है, पूरी गर्मी और बरसात में भी फूल खिलते रहते हैं, सिर्फ विंटर में ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो ये जो देख रही है पोटुलाका का प्लांट है, इसे मैंने देखिए इस पर कटिंग से लगाना बहुत आसान है। जैसे कि ये जो आप कटोरे देख रहे हो ना, ये येलो कलर के मैंने कलर किया है। कटोरा हमारे घर के फूट गए थे बर्तन, तो उस पर मैंने मिट्टी डालकर और इस तरीके से प्लांट लगा दिया था। तो ये अब देखिए मैंने इसमें से कटिंग लेकर और इसमें ही लगा दूंगी। जैसे कि ये हंडी, मटके का हंडी है। आप इस तरीके से गार्डनिंग कर सकते हो जीरो बजट में, हमें खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो बहुत हार्डी प्लांट है, इसे सिर्फ आप थोड़ी सी 1-2 इंच इतनी मिट्टी में दबा दीजिए और बहुत ही जल्दी रूट्स इसमें बन जाएंगे, यानी कि 15-20 दिन में ही इसमें जड़ बन जाते हैं। और फिर बहुत तेज़ी से इन्हें ग्रोथ भी होती है और फूल भी बहुत सारे खिलते हैं, पिंक कलर के इसमें फूल आते हैं। सुबह में खिलेंगे, दोपहर को बंद हो जाएंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, अभी पूरी भर भर कर फूल खिलते हैं, पूरी पॉट को ये कवर कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत आसान है, मेरे पास जितने भी कटिंग मैंने लिया था सब इसी मटके में लगा दिया है। लगाना बहुत आसान है, आप छोटे से पॉट में भी लगा सकते हो। तो ये मिट्टी के बर्तन को देखिए मैंने नहीं फेंका, जैसे कि घर पे हमारे दही भी आते हैं, दही के मटके या फिर और भी कुछ आते हैं दोस्तों, तो इस तरीके से नहीं फेंककर आप कलर भी कर सकते हो पूरे मटके में। मैंने कलर नहीं किया है और बिना कलर के ही हम मटके में प्लांट लगा सकते हैं। आप सभी ने देखा मैंने लगा दिया, कटिंग लगाना बहुत आसान है। अब मैं क्या करूँगी, इस वाले मटके में भी उसी तरीके से मैं पौधे को लगा दूंगी। वही सबसे पहले हमें मिट्टी डालना है थोड़ी सी, यानी कि 1 इंच इतनी मिट्टी, फिर हम इसमें खाद डालेंगे। खाद तो मैंने नहीं ख़रीदा, केले के छिलके को ही बहुत सारे इस्तेमाल किया, बहुत सारे केले के छिलके पड़े हुए थे तो मैंने उसे डाल दिया। फिर हम इसमें फिर से मिट्टी डालेंगे। अब मैं इसकी कटिंग नहीं लगाने वाली हूँ, जो उस वो वाले जो बर्तन में है, यानी कि जो उस कटोरे में है ना, उसमें से मैं निकाल कर डायरेक्ट इस वाले मटके में लगा दूंगी दोस्तों। कटिंग से अब मुझे नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने आप सभी को दिखा दिया कि कटिंग से कैसे लगते हैं प्लांट। और आप प्लांट का ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से प्लांट हमारे ग्रो होंगे। सुबह शाम आपको पानी देना है, जैसे कि जब हमारी मिट्टी हल्की सी ड्राई हो जाए, सूख जाए गमले की मिट्टी, तब जाकर आप पानी दीजिए। या नमी बनी हुई है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर हमारे प्लांट भी ये जो ख़राब हो जाते हैं। और देखिए कितने आसान तरीके से ये निकल गए। अब मुझे देखिए इसके जो है मिट्टी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, हाथों से सिर्फ हमें देखिए इस तरीके से तोड़ा और ये जो है सारे निकल गए हैं, सारे निकल जाएंगे, फिर हम इस मटके में लगा देंगे। अब मैंने इसे कटिंग से नहीं लगाया है, और कटिंग से जो मैं लगाई थी वो मैंने आप सभी को दिखा दिया है। मटके में आप इस तरीके से प्लांट ग्रो कर सकते हो, और हमारे घर के जो टूटे हुए बर्तन होते हैं उस पर भी आप ग्रो कर सकते हो। तो मैं सोची कि इसकी मिट्टी चेंज किया जाए, क्योंकि ये बहुत दिनों से इसी मिट्टी में लगे हुए थे। और जब हम हर साल मिट्टी चेंज कर प्लांट लगाते हैं, चेंज करके प्लांट लगाते हैं, तो हमारे जो प्लांट है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं। आप 1-2 साल तक उसी मिट्टी में पौधे छोड़ दोगे ना तो वो हेल्दी ग्रो नहीं होते दोस्तों। जैसे कि सीजनल प्लांट हमारे पास होते हैं, वो वाले परमानेंट आपके पास अगर प्लांट है तो आप 2-3 साल तक उसी पॉट में रहने दीजिए, सिर्फ आपको गुड़ाई और खुदाई करके खाद देना पड़ता है। परमानेंट प्लांट की बात कर रही हूँ, ये सीजनल प्लांट है, यानी कि ये सिर्फ समर और रेनी सीजन में सिर्फ फूल खिलते हैं। तो हमें मिट्टी चेंज करके अगर हम इस पौधे को लगाते हैं तो बहुत हेल्दी फूल खिलेंगे, यानी कि बड़े बड़े साइज़ के और बहुत ज़्यादा फूल खिलेंगे। तो इसलिए मैं इसकी मिट्टी चेंज नहीं की थी, तो मैंने इसकी मिट्टी भी चेंज कर दिया है। अब देखिए सिर्फ मैंने रख दिया और मिट्टी जहाँ तहाँ डाल दिया है।
अब ये जो है धीरे धीरे पूरी मटके जो है कवर कर लेंगे। अब देखिए प्लांट लगाने के बाद ना पानी देना ना भूले, पानी देना ज़रूरी है। मैंने आप सभी को पानी नहीं दिया देकर दिखाया, पर पानी देना ना भूले दोस्तों। कोई भी आप कटिंग लगाइए या पौधे लगाइए तो पानी आप देना ना भूले, दे दीजिएगा पानी, ठीक है। अब दोनों मटके में मैंने लगा दिया। अब मैं इस बर्तन का क्या करूँ, ये देखिए इसके नीचे भी छेद है, यानी कि ये फूटे हुए हैं। ये देखिए मैंने पूरी नीचे कलर नहीं किया, क्योंकि ये तो नीचे रहेंगे तो इसके कलर नहीं दिखेंगे। इसमें भी मैंने छोटे से टुकड़े डाल दिए और मिट्टी डालकर अब मैं इसमें कौन से प्लांट लगाऊँगी। मैंने कैलेंचो की कटिंग लगाई थी, तो देखिए ये जो है इनके जड़ हमें सिर्फ हल्के हाथों से ऊपर के और मिट्टी में ही रख देना है। और ये क्या होगा ना, हमें जो है प्लांट बोनसाई का लुक देगा दोस्तों। जैसे कि अब इनकी ग्रोथ का समय है तो इसकी तो मैंने कटिंग कर दी, ये लग जाएंगे और बहुत सारे इसमें नए नए टहनी यानी कि नए नए ब्रांच निकलेंगे और हमारा प्लांट घना हो जाएगा। फिर इसमें विंटर में फूल खिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये विंटर प्लांट है, हमारे पास परमानेंट रहते हैं पर ये सिर्फ ठंड में फूल खिलते हैं। तो इस तरीके से आप फ्री के गार्डनिंग कर सकते हो। मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना ना भूले, लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए अब मैं पानी दे दी, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि पानी देना ना भूले। मटके को आप अच्छे तरीके से एक जगह पर रख दीजिए, ये स्थिर से एक जगह रहेंगे। अब हमें धूप में शिफ्ट कर देना है। पोटुलाका का प्लांट आपने कटिंग से लगाया तो दिन भर की धूप में रखे, आपके गार्डन में सिर्फ पिंक पिंक कलर के फूल ही खिलेंगे दोस्तों। इस तरीके से आप अपने पौधों का ध्यान रखें और कटिंग लगाएं फूलों वाले पौधे को वेस्ट चीज़ों में। जैसे कि आप सभी के सामने देखिए मैंने कबाड़ को बहुत अच्छा तरीके से जुगाड़ बना दिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।